दोस्तों भारतीय सुपरमार्केट में बहुत सारी लस्सियाँ मौजूद हैं और जिस तरह से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोग बिना सोचे समझे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को देखकर इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट या उसका फ्रंट लेवल देखकर प्रोडक्ट को खरीद लेना कहाँ की समझदारी है। दोस्तों इस वीडियो के लिए मैंने ऐसी ही चार लस्सियों को लिया है जो कहती हैं कि हमारा लस्सी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक का बेस्ट रिप्लेसमेंट है। इन्हें पीने से आपको कोल्ड ड्रिंक वाली फीलिंग तो आएगी ही, साथ ही इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। क्या सच में? आइए देखते हैं। नंबर एक पर है अमूल लस्सी। दोस्तों आप सभी ने अमूल लस्सी की यह एड तो जरूर देखी होगी जिसमें ये कहते हैं कि हमारा कोल्ड ड्रिंक अमूल लस्सी। यह इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसे लोग खूब पी रहे हैं। क्या वास्तव में यह प्रोडक्ट आपके लिए हेल्दी है? इसके इंग्रेडिएंट्स देखने से पता चलता है कि यह बना है टोन मिल्क, दही, वाटर और शुगर से। साथ ही इसमें स्टेबलाइजर और आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल भी किया गया है। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि यह आपको देता है 2.1 ग्राम फैट, 12.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 12 ग्राम शुगर, 2.3 ग्राम प्रोटीन और साथ ही कुछ कैल्शियम। इन सब में एक चीज नोट करने के लायक है जो है चीनी की मात्रा। यह न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन सिर्फ 100 ml के लिए है, लेकिन एक अमूल लस्सी का छोटा डिब्बा 250 ml का होता है जिसमें चीनी की मात्रा को जोड़े तो 30 ग्राम यानी 8 से 10 चम्मच चीनी। यह तो लगभग पूरे दिन की डेली रिकमेंडेड इनटेक ऑफ शुगर के बराबर है। जहां 100 ml कोक आपको देती है 10 ग्राम शुगर, वहीं 100 ml अमूल लस्सी से हमें मिलते हैं 12 ग्राम शुगर। यह तो कोक से भी ज्यादा है। नंबर दो पर है पेपर बोट लस्सी। दोस्तों पेपर बोट भी काफी ज्यादा फेमस है। यह कंपनी ज्यादातर ड्रिंकेबल प्रोडक्ट बनाती है। मार्केट में पेपर बोट की काफी ड्रिंक आपको देखने को मिल जाएंगी। पेपर बोट लस्सी का प्राइस 20 रुपए है जो कि अमूल लस्सी के प्राइस के बराबर है। इसके इंग्रेडिएंट्स देखने से पता चलता है कि यह बना है स्टैंडर्डाइज मिल्क, कर्ड, वाटर और शुगर से। साथ ही इसमें मिलाए गए हैं स्टेबलाइजर और फ्लेवर्स। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन में दिया गया है जिससे आपको मिलते हैं 92.2 kcal एनर्जी, 16.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 13.3 ग्राम शुगर, 1.6 ग्राम प्रोटीन, 2.2 ग्राम फैट और साथ ही कुछ कैल्शियम। इसमें भी शुगर काफी हाई क्वांटिटी में डाली गई है। 100 ml पेपर बोट लस्सी से आपको मिलते हैं 13.3 ग्राम शुगर। इसका एक छोटा डिब्बा 250 ml का है। इस डिब्बे में मौजूद कंप्लीट शुगर को निकालें तो लगभग 34 ग्राम शुगर बैठती है। यह तो अमूल लस्सी से भी ज्यादा है। और अब बात करते हैं नंबर थ्री की, जो है मदर डेयरी लस्सी। मदर डेयरी भी इंडिया में खूब फेमस है और इसके प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा खरीदे जाते हैं। रिफ्रेशमेंट का डोज विदाउट एनी स्टोर, इस तरह मदर डेयरी लस्सी की मार्केटिंग की जा रही है। मदर डेयरी लस्सी की बोतल अमूल और पेपर बोट की लस्सी के डब्बे से छोटी है। यह 200 ml की एक छोटी बोतल है, लेकिन इसके प्राइस में कोई कटौती नहीं की गई है। इसका भी प्राइस 20 रुपए है। इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में है वाटर, शुगर, मिल्क, सॉलिड एंड एक्टिव लैक्टिक। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन में 100 ml के हिसाब से आपको मिलते हैं 76 kcal एनर्जी, 2.1 ग्राम प्रोटीन, 12.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 10 ग्राम शुगर, 2 ग्राम फैट और साथ ही कुछ कैल्शियम। इसमें मौजूद 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में से 10 ग्राम शुगर से आते हैं, लगभग 3 चम्मच चीनी। यह तो कोक में मौजूद शुगर के बराबर है। मतलब इस 200 ml की बोतल में आपको 10 ग्राम शुगर देखने को मिलते हैं। यह शुगर तो आपको अमूल और पेपर बोट लस्सी में मौजूद शुगर से भी महंगी पड़ती है। लास्ट और नंबर चार पर है केविंस लस्सी। दोस्तों आपने केविंस लस्सी की एड तो देखी होगी जिसमें कहा जाता है कि इतना थिक और क्रीमी के दिल लगा के खींचो। यह 180 ml का डब्बा है। देखा जाए तो यह पिछले सभी डिब्बों से छोटा है, लेकिन प्राइस सेम है। प्राइस में कोई कमी नहीं की गई है। इस डब्बे पर लिखा गया है इम्यूनिटी सपोर्ट विद जिंक, विटामिन ए एंड डी। क्या सच में ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है? आइए देखते हैं। इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट देखने से पता चलता है कि यह बना है स्टैंडर्डाइज मिल्क, कर्ड, वाटर और शुगर। साथ ही इसमें डाले गए हैं इमल्सिफायर मिनरल्स, विटामिन और फ्लेवर्स। और अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन। इससे टोटल एनर्जी आपको मिलती है 102 kcal, 2 ग्राम फैट, 19 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 14 ग्राम शुगर, 2 ग्राम प्रोटीन और कैल्शियम। साथ ही जिंक, विटामिन ए और डी मिलाए गए हैं। केविंस लस्सी में इन सभी लस्सियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा शुगर है। अगर आप सोचते हैं कि इसे पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है तो आप बिल्कुल गलत हैं। लेकिन हाँ, लंबे समय तक इसका रोजाना सेवन करने से आपको डायबिटीज़ होने का खतरा ज़रूर हो सकता है।
दोस्तों इन सभी लस्सियों में हाई क्वांटिटी में शुगर का इस्तेमाल किया गया है। अगर इनको कोक से भी कंपेयर करें तो इनमें कोक से भी ज़्यादा शुगर पाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि डेली रिकमेंडेड इनटेक ऑफ शुगर क्या है? WHO के अनुसार एक दिन में 5 से 10 चम्मच चीनी से ज़्यादा लेना सही नहीं है। सोचिए अगर आप डेली अमूल या कोई दूसरी लस्सी पीते हैं तो आपके पूरे दिन की शुगर की पूर्ति तो यहीं से हो जाती है। इसके अलावा भी आप पूरे दिन में ऐसे फूड्स खाते होंगे जिससे आपको शुगर मिलती है। अगर आप इतनी ही शुगर किसी दूसरे फूड से भी लेते हैं तो मतलब आप डेली रिकमेंडेड इनटेक ऑफ शुगर से दुगनी चीनी खा जाते हैं। अधिक चीनी खाने से आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेज, इन्फ्लामेशन, वेट गेन एंड फैटी लिवर डिसीजेज, इनफैक्ट आपको कैंसर तक हो सकता है। आप इन सबको ना ही पिए तो ही बेहतर है। अगर आप अमूल लस्सी की एड देखकर इसे कोल्ड ड्रिंक समझकर पी रहे हैं और सोचते हैं कि ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है तो आप अपने पैसे और हेल्थ दोनों बर्बाद कर रहे हैं। घर पर नॉर्मल छाछ या नींबू पानी बनाकर पीना एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा कोल्ड ड्रिंक क्या है तो मेरा कोल्ड ड्रिंक अमूल लस्सी बिल्कुल नहीं है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।